हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एडवांस टेक्निकल बाय सुनील। तो दोस्तों, आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी फुल सपोर्ट करोगे। तो आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ इंस्टा प्रो के एडवांस फीचर्स के बारे में, जो कि सभी लोगों को पता नहीं रहते दरअसल, बट इसके फीचर्स बहुत ही एडवांस लेवल के हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी धांसू फीचर्स मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं हम सीधा इंस्टाग्राम प्रो ओपन करेंगे। तो इंस्टा प्रो ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलता है। इंस्टा प्रो पे हमें मिल जाएंगे कई प्रकार के फीचर, जैसे सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें कोई भी वीडियो डाउनलोड करनी है। मान लीजिए ये चल रहा है वीडियो, ठीक है, तो हमको इसको डाउनलोड करना है, तो इसके लिए हमें कोई अलग से स्टोरी सेवर वगैरह ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें डायरेक्ट ही एक ऑप्शन आता है इधर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वाला ऑप्शन आ रहा है, तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सीधा हमारे गैलरी में सेव हो जाता है। एक तो ये सबसे खास फीचर्स है। उसके बाद हम चलेंगे इसके मेन सेटिंग में। मेन सेटिंग में भी हमें काफ़ी ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो मतलब हमारे यूज करने के तरीकों को काफ़ी अलग और एडवांस बना देते हैं। तो सिंपली हम इसमें अपनी सेटिंग ओपन करेंगे और सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर जो नॉर्मल व्हाट्सएप नॉर्मल इंस्टा होता है, नॉर्मल इंस्टा में ओनली ये सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन से स्टार्ट होता है, बट इसमें इंस्टा प्रो सेटिंग्स अलग से ऐड होती है। तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और इस जानते हैं इसके बारे में कितनी अलग अलग सेटिंग हैं और ये क्या क्या काम करते हैं। तो बाकी तो सेटिंग तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं वही सेटिंग्स बताता हूँ आपको जो कि आपके यूज की हैं। तो ऐसी सेटिंग में सबसे पहले तो आपको चैट स्क्रीन पर ले जाता हूँ। चैट स्क्रीन पर ले जाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलता है और इसमें हमें मिलता है चैट बैकग्राउंड, मतलब हम जो चैटिंग करते हैं ना उसका बैकग्राउंड हम किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, वहाँ पर फोटो वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग से ऑप्शन मिलता है, जैसे हमें अगर फोटो ऐड करनी है तो यहाँ पर ये ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ से हम अलग से फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। तो एक तो ये फीचर्स था। इसके बाद हम प्राइवेसी का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है ये प्राइवेसी वाला, और तो प्राइवेसी वाले फीचर्स में हम एंटर करेंगे और जाएंगे इसमें, देखेंगे कि किस प्रकार के फीचर। तो इसमें इतने सारे फीचर्स हमें ये प्रोवाइड करवाता है, तो हम सिंपली एक एक फीचर्स को जान लेते हैं। तो इसमें हमें मिलेगा, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हाइड व्यू स्टोरी। इसमें क्या होता है कि जो हम स्टोरी व्यू कर लेते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारी स्क्रीन से हाइड हो जाएंगे। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आता है हमें डोंट मार्क मैसेज एज रीड। इसको चालू करने के बाद हमें जैसे कोई मैसेज कर रहा है तो हमें वो मैसेज सीन करना है और सामने वाले को पता भी नहीं चले, तो हम सिंपली इसको चालू करने के बाद हम वो मैसेज पढ़ भी सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि आप चोरी से वो मैसेज आराम से पढ़ सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कई बार होता है कि हमें ऐसा करना होता है कि किसी को बताना नहीं होता और मैसेज पढ़ना होता है, तो ये फीचर्स चालू करने के बाद हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद लाइव होस्ट मोड। लाइव होस्ट मोड में हमें ये फीचर्स मिलता है कि जैसे कोई बंदा लाइव चल रहा है और हमें उसकी लाइव देखनी है और उस बंदे को पता ना चले कि कौन लाइव में आया, तो हम सिंपली ये फीचर्स ऑन करके इसका लुफ्त उठा सकते हैं बिना सामने वाले को बताए हुए। और इसके बाद नेक्स्ट फीचर आता है हाइड टाइपिंग स्टेटस इन डीएम। मतलब जब हम टाइपिंग करते हैं तो कुछ टाइपिंग टाइप पे लिखा आता है ना वहाँ पर चैटिंग करते टाइम, तो सिंपली इसको चालू करने के बाद वैसा कुछ लिखा नहीं आएगा, डायरेक्ट मैसेज जाएगा और सीधा आएगा, मतलब जाएगा और आएगा, और इसके बाद बीच में ये टाइपिंग वगैरह का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आता है इनेबल एंटी स्क्रीन शॉट। मतलब जैसे इंस्टाग्राम में है तो अपन स्क्रीन शॉट लेते हैं तो सामने वाले पर्सन को पता चल जाता है कि इसने स्क्रीन शॉट लिया है, मतलब एक नोटिफिकेशन सामने वाले को दे देता है ये। तो अगर हम इसको चालू करेंगे इस वाले फीचर को, तो वो स्क्रीन शॉट लेने के बाद भी किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने स्क्रीन शॉट लिया है। तो ये काफ़ी अच्छे फीचर्स थे। इसके बाद भी कुछ एडवांस फीचर्स हैं, वो उतने काम के नहीं हैं, तो ये फीचर्स मैंने आपको बताए, ये काफ़ी आपके एक्सपीरियंस को अलग कर देने वाले हैं। तो अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से सिंपली डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा आपको। और मैंने इसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सारी चेक की है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ना कोई एडवांस लेवल का या कोई भी किसी प्रकार का वायरस है। बाकी अपडेट पे अगर जो भी वायरस या कुछ भी होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।